चीन ने करीब एक साल पहले से ही कारगिल जैसी घुसपैठ की तैयारी शुरू कर दी थी। दोनों के देशों में ताजा गतिरोध के बीच सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से यह बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी सेना ने पिछले साल पेंगोंग सो झील से दक्षिण पूर्व में अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी थी। इसके तहत सैन्य ठिकाने का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया गया और बड़े पैमाने पर वाहन तैनात किए। चीन ने पेंगोंग सो झील से मात्र 180 किलोमीटर दूर स्थित नागरी इलाके में बड़ा हवाई ठिकाना तैयार कर लिया था। इसी एयरबेस पर चीन ने उड़ान भरने के अनुकूल लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को भी अपडेट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद कोरोना महासंकट में भारत को फंसा देख चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। चीनी एयरफोर्स नागरी गंसा एयरबेस पर एक और रनवे निर्माण कर रही है। इस रनवे पर भारी ट्रांसपोर्ट जहाजों को उतारा जा सकता है। चीनी सैनिकों के पहुंचने के कारण दौलत बैंक ओल्डी और काकोराम पास से लेह तक जाने के लिए पिछले साल बनाए गए सड़क से संपर्क टूट जाने का खतरा मंडराने लगा है।